और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र सिंह चौहान यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। देवेंद्र सिंह चौहान फिलहाल डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें देवेंद्र सिंह चौहान को यूपी का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार है और देवेंद्र सिंह चौहान फिलहाल डीजी इंटेलिजेंस की भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें 24 घंटे पहले यानी कि कल रात में मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाया गया था, उनको सिविल डिफेंस में भेजा गया था और अब ये खबर आ रही है कि देवेंद्र सिंह चौहान यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए हैं और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, देवेंद्र सिंह चौहान भी उन अफसरों में हैं जिनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है डीजीपी के लिए? देखिए बिल्कुल, एक ऐसे अफसर है जिनका नाम सबसे आगे, अगर हम कहें डीजीपी बनने की रेस में सबसे आगे है और फिलहाल उनको कार्यभार अभी कार्यवाहक के तौर पर दिया गया है और उसका आदेश भी जारी हो गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि कल देखिए 1987 बैच के जो IPS अफसर थे, मुकुल गोयल जो डीजीपी थे, उन्हें काम में शिथिलता बरतने, विभागीय जो निर्देश आते हैं उनको नहीं सुनने, कर्मठता के चलते उनको हटाया गया था और उसके बाद कल के लिए जो है चार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को कल कार्यभार दिया गया था, कार्यवाहक के तौर पर वो थे, अतिरिक्त चार्ज उनको दिया गया था। फिर आज जो है वहाँ पर DS चौहान को आप कार्यवाहक डीजीपी जो है वो नियुक्त किया गया है और कहीं ना कहीं आप ये देखिए DS चौहान अभी डीजी इंटेलिजेंस है, 1988 बैच के IPS अफसर है और जो नाम बार बार एसी गंगा जो नाम बता रहा है कि कौन इस रेस में सबसे आगे है, कौन डीजीपी बन सकता है, क्योंकि देखिए डीजीपी का सिलेक्शन एक पैनल करता है, उसमें नाम जाता है और उस पैनल में किसका किसका नाम होता है जो सीनियरिटी लेवल में सबसे ऊपर होता है, ऐसे लोगों का, ऐसे IPS अफसरों का नाम उस पैनल में जाएगा। हालांकि बाद में वो तय होता है कि कौन है, लेकिन तब तक जब तक कि कोई अगर हम कहें डीजीपी नियुक्त नहीं होता तो जो कार्यकाल है उसके लिए, तब तक कार्यवाहक के तौर पर DS चौहान उस काम को देखेंगे। डीजी इंटेलिजेंस अभी वर्तमान में है और डीजीपी का कार्यवाहक के तौर पर उनको कार्यभार सौंपा गया है। बिल्कुल, और अनुभव अगर हम बात करें कि पूर्णकालिक डीजीपी के नाम का ऐलान कब तक हो सकता है, कब तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी लगभग? देखिए जब तक नियमित डीजीपी की तैनाती नहीं होती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस फोर्स है वो हम कहें तो दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पुलिस कर्मी उत्तर प्रदेश में हैं और इसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। इतनी पुलिस बल की संख्या कहीं नहीं है, क्योंकि अगर आबादी के लिहाज से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश दुनिया में पांचवा एक बड़ा देश हो सकता है, उस लिहाज से ये कहा जाता है। और ऐसे में जब तक नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती, अब वो तो प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब वो तीन नाम का पैनल भेजा जाएगा, ये अभी सवाल है, क्योंकि उसमें सरकार को कदम बढ़ाना है, पैनल में नाम भेजे जाने हैं, जब वो नाम जाएंगे फिर उसके बाद उन नामों में से किसके नाम को संस्कृति मिलेगी ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर तय है जो नाम इस वक्त अगर हम कहें चर्चा में सबसे आगे तो DS चौहान का। बिल्कुल, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देवेंद्र सिंह चौहान का नाम इस वक्त चर्चा में क्यों है और क्यों ये माना जा रहा है कि पहली प्रेफरेंस वो हो सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड वजह है या फिर छवि अच्छी है, क्या वजह है? हाँ देखिए ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही उनका और छवि भी अच्छी है, डीजी इंटेलिजेंस के तौर पर अभी वो काम भी कर रहे हैं और अगर आप देखिए जहाँ जहाँ इससे पहले जहाँ तैनात रहे तो उनका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो भी, और 1988 बैच के चूंकि वो IPS अफसर हैं, 1987 बैच के IPS अफसर मुकुल गोयल थे, उनसे एक साल अगर हम कहें तो छोटे या उसके बाद के बैच के IPS अफसर हैं DS चौहान। और ऐसे में कुछ और भी नाम है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही नाम है, देखिए डीजी जेल आनंद कुमार भी हैं, उनका भी नाम है, RK विश्वकर्मा वो भी इस रेस में है, इसके अलावा एक दो नाम कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में है वो केंद्रीय प्रतिनिधि से आ सकते हैं, तो उनमें से किसी को DGP बनाया जा सकता है। नियमित जब तक चार्ज नहीं मिल जाएगा तब तक DS चौहान ही कार्यभार को देखेंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर शासन ने दी है। बिल्कुल, तो देखिए DS चौहान है सीनियरिटी की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे थे DS चौहान, इस वक्त DG इंटेलिजेंस है उत्तर प्रदेश के और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में CRPF के IG रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने और उन्हें कार्यवाहक DGP उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। तो कल ही मुकुल गोयल को DGP के पद से हटाया गया था और आज देवेंद्र सिंह चौहान यानी कि DS चौहान को का जो अतिरिक्त कार्यप्रभार है
वो दिया गया है, कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। देवेंद्र सिंह चौहान फिलहाल डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात हैं और इनका नाम उन अधिकारियों की लिस्ट में भी है, रेस में नजर आ रहा है जिनको डीजीपी बनाया जा सकता है। लेकिन अनुभव, जिस तरीके से मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया गया, जिस तरीके से एचसी अवस्थी को डीजीपी बनाया गया था, अब सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ी सिरदर्दी है कि एक ऐसा डीजीपी आए जो कानून व्यवस्था को भी सुधारे और जो पुलिसिंग में बदलाव की बातें केवल हो पाती हैं, काम नहीं हो पाता, वो काम भी किया जाए। क्योंकि सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर है यूपी सरकार को, यही है कानून व्यवस्था। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने योगी बनने देखा, 5 साल का वो कार्यकाल देखा, और हमने यही एक चीज देखी कि जो भी डीजीपी नियुक्त हुआ वो लंबे समय के लिए हुआ, यानी जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वो उस पद पे बना रहा। इसमें आप सुल्तान सिंह को देखिए, यानी जितना वक्त उनका था वो जब रिटायर हुए तब नया डीजीपी बना, फिर ओपी सिंह आए, वो जब रिटायर हुए तब एससी अवस्थी बने, और जब एससी अवस्थी रिटायर हुए तब मुकुल गोयल आए थे बीते साल जुलाई में। लेकिन 11 महीने का इनका जो कार्यकाल रहा उसमें आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है, लगातार विपक्ष उसी को मुद्दा बना रहा है, सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। यानी चुनाव के दौरान जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे को बीजेपी हर मंच पर कहती थी, कानून व्यवस्था की बात करती थी, आज क्या स्थिति है, लगातार आप देखिए अखिलेश यादव हर दिन निशाना साधते हैं, फिर इस तरह की घटनाएं हो गई, चाहे चंदौली की घटना देखिए, ललितपुर की घटना देखिए, डीजीपी मुकुल गोयल का इन्वॉल्वमेंट उतना था नहीं, विभागीय कामों में मीटिंग्स में जाते नहीं, यही सब वजह रही कि उनको उनके पद से हटाया गया। और कल चुके रीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को चार्ज दिया गया, क्योंकि तुरंत डीजीपी हटे थे तो कौन देखेगा, तो उनको कार्यभार दिया गया, और आज वहां पर डीएस चौहान की नियुक्ति हुई है। तब तक ये नियुक्ति है जब तक कि नियमित डीजीपी नियुक्त नहीं हो जाता उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीर है, और बड़ी खबर ये है इस वक्त कि डीएस चौहान को बना दिया गया है कार्यवाहक डीजीपी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे, और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जब थे तो सीआरपीएफ के आईजी थे, और अब उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए।